गया जिले के बेलागंज थाना अंतर्गत एरकी के पूर्व मुखिया मंजू देवी ने बीते दिन हमला किए जाने का मामला को लेकर मंगलवार को एसएसपी से मिलने पहुंचे। एरकी पंचायत के पूर्व मुखिया मंजू देवी ने कहा कि हमले की घटना के बाद परिजनों में दहशत का माहौल है। उन्होंने बालू माफियाओं के इशारे पर हमला किए जाने की बात कही। इस घटना को लेकर पीड़ित पूर्व मुखिया मंजू देवी ने बेलागंज थाने में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए लिखित शिकायत की, परंतु थाने में शिकायत दर्ज करने से इनकार करने की बात बताई, जिसके बाद पूर्व मुखिया ने मंगलवार को एसएसपी कार्यालय में लिखित आवेदन देकर गुहार लगाई है। इस संबंध में पूर्व मुखिया मंजू देवी ने बताया है कि बालू माफियाओं के इशारे पर इस तरह का हमला किया गया। लिखित आवेदन में बताया गया है कि दीपू सिंह, पप्पू सिंह और छोटू सिंह के द्वारा बड़े पैमाने पर इलाके में बालू का अवैध कारोबार चलाया जा रहा है। जिस स्थान पर चलाया जा रहा है उस स्थान से गुजर रही थी, इसी बीच अचानक हमला कर दिया गया। उन लोगों का लगा कि उनके बालू के अवैध कारोबार का पोल खोल दिया जाएगा। पूर्व मुखिया ने मंजू आरोप लगाया है कि हमला करने वालों ने कनपट्टी पर हथियार सटाकर जान से मारने की धमकी दी और इस क्रम में गले से सोने की चैन और नकदी लूट लिए। साथ ही उनका यह भी आरोप है कि यह घटना पूरी तरह से सुनियोजित तरीके से की गई है। एसएसपी से मांग किया है कि इस तरह की घटना करने वाले दीपू सिंह, पप्पू सिंह और छोटू सिंह की गिरफ्तारी की जाए। लोग एयर किए में रहता वो है। नहीं, उन लोग के तो घर रौना महादेव ही हमें न हुआ। ऐसा बालू के कारोबार बिखरौरा गाँव में करता है और ऐसे रौना स्कूल पर भी करता है। इसी में वो अति हो गया था। उनको लगा पुलिस को दे रहे हैं जो खींच रहे हैं, जिसका इन्होंने जो थाना में आवेदन दिया पीछे। अच्छा, वो देख लेते हैं। थाना वाला आवेदन नहीं ले रहा ना? नहीं नहीं, इससे बढ़िया एसएसपी की है भाई है ना, बढ़िया पुलिस कार्रवाई होगा। एसएसपी अभी महिला के स्कूल नहीं जा रहा। आप पूरा परिचय दीजिए जाने के बाद। मामला है कि हम 17 तारीख को रात में, हमारे पूर्व मुखिया होने के कारण एक मकान का ढलैया था तो हमको इनवाइट किए थे, तो हम गए उनके के यहाँ और हम बिथरौरा में गाड़ी खड़ा कर दिए अपना। उनके के यहाँ हम गए बीरबल बिहा गांव में और दीपू और ये सब पप्पू और छोटू का भाई है और सब बहुत पार्टनर मिलकर अवैध बालू का कारोबार वो सब करता है उसी जगह। और अभी भी बालू वहाँ बहुत सा डैम्प है और हम जब उधर से लौट के आए हैं इनवाइट से तो हमको पूरा गाली गलौज करने लगा और हमारा पैसा ले लिया, कुछ पर्स में था जो सिकड़ी छीन लिया और हमको पूरा गाली उली देकर वहाँ से भगा दिया। कौन लोग थे? वो दीपू सिंह और छोटू सिंह और पप्पू सिंह और लोग था बहुत मनी, लेकिन इतना के तो हम पहचाने नहीं। थाना में आवेदन दिए हैं? थाना में आवेदन दिए हैं लेकिन थाना में आवेदन नहीं ले रहे हैं। ये लोग कहाँ रहते हैं? ये लोग इन लोग घरे पर रहता है और डेली बालू के कारोबार करता है। दबंग किस्म का? हाँ, दबंग किस्म के आदमी है और डेली बालू के कारोबार आज ये 2-3 बरस से कर रहा है। क्या कारण है जो इस तरह के आपके साथ? कारण यही है कि उन लोग बालू चुरा के बेचता है और झूठ मूठ को इल्जाम हम लोग पर लगाता है। हम लोग ये सब काम बालू तालू के करते नहीं है। किसी से आप लोग पता भी कर सकते हैं कि बालू से हम लोग का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन बार बार हम लोग के वो सब अपने बालू के कारण लड़ता है और हम लोग के फंसा देता है। हथियार हाँ, उन लोग हथियार ले हुए था जब अवैध कामें कर रहा है बालू के, तो हथियार गोली तो ले ही नहीं है। थाना नहीं सुन रहा, एसएसपी के यहां जाइएगा। हाँ, एसएसपी की हम मिलेंगे, थाना नहीं सुन रहे हैं। उन लोग थाने वाले को देता है पूरा माल तो उन लोग थाने वाले क्या सुनेंगे हम लोग के। क्या नाम हो गया? हमारा नाम श्रीमती मंजू देवी, पूर्व मुखिया। कौन सा पंचायत? एरकी पंचायत से चाहते हैं? हम चाहते हैं, इसीलिए चाह रहे हैं कि हमको उचित जांच मिलना चाहिए। के वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ की टीम अब आपके शहर बेगूसराय में। अमर ज्योति हॉस्पिटल, जहां इमरजेंसी सुविधा, आईसीयू, एचडीयू, ओटी, डायलिसिस फैसिलिटी उपलब्ध है। हमारा पता है अनुष्का, ITI NH 31, सुशील नगर, बेगूसराय।